Deus! हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं अली की टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना पसंद करते हैं तो अभी आप जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे थे, तो यार इस तरह की वीडियो आपने इंस्टाग्राम रील्स में ज़रूर देखी होगी, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ टाइम से इस तरह की वीडियो बिल्कुल वायरल और बिल्कुल ट्रेंड में चल रही है। तो अगर आप भी इस तरह की एडिटिंग करना चाहते हैं अपने मोबाइल से, तो यार आज का ये वीडियो आपको बस थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो और भी देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना आपका समय लिए। यार इस तरह की वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से भी एंड वीडियो एडिटर को डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में, और डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और दोस्तों यहाँ से आपको अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। पर मैं सबसे पहले अपना वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद एरो के निशान पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा वीडियो दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी जो इस वीडियो का जो साउंड है दोस्तों, उसे यहाँ पर क्लिक करके बिल्कुल म्यूट कर देना है, कम कर देना है। इसके बाद आपको एंड में आना है और जो ब्लैक स्क्रीन आप देख रहे हैं इसको आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करना है, अपनी वीडियो का साइज़ 9x16 पे सेट कर देना है। अब दोस्तों इसमें आपको एक साउंड ऐड करना है। साउंड ऐड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर म्यूज़िक के आइकन पर क्लिक करना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, थर्ड नंबर के पॉइंट वीडियो से निकालने पर क्लिक करना है। और दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये वाला वीडियो मिल जाएगा, आपको यहाँ पर इसे सिलेक्ट करना है और डन पे क्लिक कर देना है। तो हमारा ये सॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चूज़ पे क्लिक करते हैं, और दोस्तों इसमें आपको कुछ बीट को ऐड करना होगा। बीट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर म्यूज़िक के आइकन पे जो झंडे वाला आइकन देख रहे हो मिल रहा है, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। और दोस्तों साइड में आप लिखा देख रहे होंगे कि आपको कौन सी बीट कितने सेकंड पे सेट करनी है, तो इसके बाद सभी बीट को सेट करना है और आपको यहाँ पर डन पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से डन पे क्लिक करते हैं। अभी दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जो सॉन्ग की लेंथ है उसके बराबर आना है, और अपनी जो वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे यहाँ से डिलीट कर देना है। अब आपको यहाँ पर दोनों उंगलियों से कुछ इस तरह से दोस्तों जूम कर लेना है, और जो अपनी बीट हैं उनके निशान के बराबर अपनी जो वीडियो है उसके अलग अलग पार्ट कर लेने हैं। और इसी तरह से दोस्तों आप भी अपनी वीडियो के अलग अलग पार्ट कर लीजिएगा। अब आपको अपनी जो फर्स्ट वाला पार्ट है वीडियो का उस पर क्लिक करना है, और दोस्तों आपको यहाँ पर फिल्टर के आइकन पे क्लिक करना है। इधर की ओर स्वाइप करते हुए आपको यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आपको इनमें से एक को सिलेक्ट करना है और डन पे क्लिक कर देना है। तो हमारा पहले पे फिल्टर लग चुका है। अभी दोस्तों आपको दूसरे पार्ट पे आना है, एफएक्स पे क्लिक करना है, और पार्ट को यहाँ पर स्टार्टिंग में लाना है, और यहाँ पर आपको फ्लैश को यहाँ पर जो फ्लैश वाला आइकन देखने को मिल रहा है जो फिल्टर, इसे सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद डन पे क्लिक करते हैं, दूसरे पार्ट पे आते हैं, एफएक्स पे क्लिक करते हैं, और इधर की ओर स्वाइप करते हुए आपको इनमें से कोई एक इफ़ेक्ट को सेट करना है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको यह है जो अपने पार्ट हैं वीडियो के, इन पर अलग अलग यह इफ़ेक्ट सेट करना है। तो मैं सभी पार्ट पे अलग अलग इफ़ेक्ट को सेट कर देता हूँ। A few moments later. तो यार मैंने सभी पार्ट पे एफएक्स को लगा दिया है। अब तो थोड़ा सा आपको वीडियो प्ले करके भी दिखा देते हैं। तो यार आप देख सकते हैं हमारा ये वीडियो बिल्कुल सही बन चुका है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो को सेव कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि अभी एडिटिंग आधी एडिटिंग दोस्तों बाकी है, तो इससे हमारा यह वीडियो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे हमारा यह वीडियो सेव हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना होगा, दोस्तों यहाँ पर यह वीडियो सेव हो गया है तो एल्बम में इसे सिलेक्ट करते हैं। और दोस्तों अब आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है, और आपको यहाँ पर रील्स के आइकन पर क्लिक करना है। ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पर कैमरे के आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जो इफ़ेक्ट में दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको दोस्तों सर्च करना है RED रेड जी रेड ग्लिच, कुछ इस तरह से दोस्तों इसका नाम है। इसको दोस्तों जो फर्स्ट वाला है इसे सिलेक्ट करना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको जो यह जो बॉक्स देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक करके इसे सेव कर लेना है। अब आना है बैक। तो बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर गैलरी के आइकन पे क्लिक करके हमने जो वीडियो सेव कर रखा है उसे दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देना है। तो अपना वीडियो दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद एक बार फिर से यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है।
अब आपको यहाँ पर ऊपर जो फ़िल्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और हमने जो फ़िल्टर सेव किया था दोस्तों उसे यहाँ पर अलाउ कर देना है। तो अब थोड़ा सा आपको वीडियो की वॉइस भी बढ़ा के दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ये वीडियो कुछ इस तरह से बन गया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करके और दोस्तों अपनी रील्स में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।